हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जुनैद अगवान, जुनैद अलतुल परफ्यूम शॉप से। तो आप आज सुबह के 11 बज चुके हैं, तो सोचा चलिए आज संडे का जो दिन है, सुबह सुबह थोड़ा सा फ्रेश होकर चाय के साथ थोड़ी बातें करते हैं, आपसे मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव वीडियो में आने के बाद। आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जो एक सपोर्ट किए, आपका जो सजेशन रहा है हमेशा, उसके लिए, हर चीज के लिए थैंक यू। तो वेलकम केवल भाई, मुजम्मिल, प्रथम भाई, अबू जैर भाई कैसे हो, कुलदीप भाई, कुलदीप भाई एक अच्छा परफ्यूम के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिखते भी हैं। आप अगर परफ्यूम्स को पसंद करते हो तो इनके इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाकर, इंस्टाग्राम पेज पर जाकर इनके थॉट्स को पढ़ सकते हो। यस वेलकम जुनैद अलतुल। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ चीज़ें नई आई थी जिसमें कुछ बखोर्स थे, और एक फेमस परफ्यूम के बारे में बात करनी है, वो है ऊद लैल। इसके बारे में मैंने इतना सुना, लोगों ने ट्राई नहीं किए लेकिन लेना चाहते हैं, क्यों, उस चीज को देखते हैं क्या है वैसा, क्या ये किसी परफ्यूम से मिलता जुलता है कि सही में उस जिस तरह से आज इतनी हाइप है ये परफ्यूम्स की, ऊद लैल। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसके ओपन करने के बाद इसको चेक करेंगे, इसी के साथ साथ इसके बखूर भी आए हैं, यानी अरेबियात परफ्यूम्स की सारी माई परफ्यूम्स की जो सीरीज आती है, अरेबियात बाय मा परफ्यूम, इसकी सारी सीरीज आई है बखूर में भी, बखूर काफी सारे बखूर्स हैं, तो इस बखूर को भी देखेंगे, ओपन करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और सबसे मेन चीज इस परफ्यूम को देखेंगे, इस परफ्यूम में ऐसा क्या है उसको चेक करेंगे। लेकिन चेक करने से पहले मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं लोगों से। वालेकुम सलाम अब्दुल भाई, अब्दुल अजीम भाई। तो जब मैं लाइव लास्ट संडे के दिन लाइव आया और आप लोगों ने जो सपोर्ट किए, जो बाद में मुझे मैसेजेस आए, पर्सनल में मैसेजेस आए, और जो सजेशन था, जो मोटिवेशन था, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबको, कि आप लोगों ने ही सपोर्ट किए थे। जब स्टार्टिंग में मैं कैमरे के पीछे आकर बात करता था, आप लोगों का ही सपोर्ट था जो आकर बात करते थे, जुड़ते थे। अगर आप नहीं जुड़ते तो ये सेशन जो होता था संडे के दिन, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो बातें होती थी वो हो नहीं पाती थी। तो आप लोगों का वंस अगेन थैंक यू। और आप लोग क्या क्या चीज जानना चाहते हो, लास्ट दो दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया जो शायद आपने कल देखे होंगे। तो उस वीडियो में क्या चीज आपको सही लगी, क्या चीज नहीं सही लगी, अगर आपका कोई कुछ भी व्यूज है तो आप फ्रीली बता सकते हो। जिस तरह से सैम्पलिंग का जो प्रोसेस होता है, सैंपल, फ्री सैंपल तो हर कोई देता है लेकिन पेड सैंपल का भी ऑप्शन होना चाहिए, ये मैंने बोला था। तो अगर किसी को कुछ लगता है कि वो चीज गलत है, या फिर जो भी चीज आपका व्यूज है, जो भी थॉट्स है आपका, तो वो आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा पास आना पड़ेगा क्योंकि कमेंट्स थोड़े से दिख रहे नहीं है साफ, तो मुझे हट के थोड़ा सा आपके पास आता हूँ पहले उस तरफ। तो ये एक फोन आ चुका है, तो मेरे सामने एक मैसेज देख रहा हूँ मैं, अर्पिता मैम का, अरे बहुत दिन बाद आई लाइव पे, फर्स्ट टाइम आपको ऑन स्क्रीन देख रही हूँ। बहुत से लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई भी आ रहे हैं, सब खैरियत है भाई लोग। तो वीडीपी भाई बोल रहे हैं, दिनेश भाई कैसे हो, दिनेश भाई, क्योंकि आज कैमरा थोड़ा सा दूर रखा हूँ और थोड़ा सा साफ विजिबल नहीं हो रहा है क्या है अंदर, इसलिए मैंने ये फोन की हेल्प की वजह से मैं आपके कमेंट्स को पढ़ पा रहा हूँ। अब्दुल अजीम भाई, वाह माशाल्लाह क्या बात है, ओके वंडरफुल डे। तो ये जो लाइव सेशन का जो हमने स्टार्ट किए थे,
आज से 3 महीने पहले, तब उम्मीद नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने आकर बात कर पाऊंगा, कुछ बोल पाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी जुड़ते हैं लाइव वीडियो में जो परफ्यूमर से बिलोंग करते हैं, जिनकी शॉप है, कुछ छोटा मोटा भी काम करते हैं, वो लोगों से मैं सजेशन देना चाहूंगा। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाता था। आप लोग जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं ना, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा आप करते क्या। जरूरी नहीं है ऐसा कुछ इंटीरियर हो तभी आप सामने आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। मेरे पास भी नहीं था, मैं आपको कुछ नहीं बोल पाता था। उन लोगों के लिए ये चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइव वीडियो खत्म होने के बाद जब मेरे मैसेजेस में बात होती है, उनसे जब चैट करता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे लगा था कि ये चीज मैं आप लोगों को बोलूँ, ताकि आप लोग भी कुछ अच्छा कर सको, मोटिवेट होकर। तो आप लोगों को अगर मेरे बोलने से या कुछ होता है, कुछ फायदा होता है, तो मुझे खुशी होगी। तो अगर कोई ऐसा छोटा भी है जो कुछ बोल नहीं पाता, जरूरी नहीं है, हम जिस तरह से कस्टमर से बात करते हैं ना, मुझे भी एक ने कहा था, जो मेरा कस्टमर है, उसी ने मुझे बोला था कि आप डरो मत, जिस तरह से सामने कस्टमर आता है उससे बात करते हो, वैसे ही लाइव वीडियो में आने की बात करो, कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा भी सजेशन है वो लोगों को जो काम करते हैं अतर का, परफ्यूम का, परफ्यूम से रिलेटेड है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे। हमें लोगों को नहीं बोलना है कि क्या कैसे कर रहे हैं, हमें अपना देखना है, हमें अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना है, कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस चीज से आपकी सेल्स पे इफेक्ट आएगा, और वो सही में बहुत फायदा होगा आप लोगों से। जरूरी नहीं है लाइव वीडियो में आके चीजों को बेचना है, जब रिलेशन होगा, जब चीजें आप पे ट्रस्ट होगा, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली चीजें आपसे लेने आएंगे लोग, आपके आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो जिस तरह से लास्ट मैसेज देख रहे हो जतिंदर पाल भाई, तो ये जतिंदर पाल एक मतलब कुछ लोगों में से एक ये भी बंदे थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किए थे कि जुनैद भाई करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। तो ये वीडियो में जो अभी जुड़े हैं जतिंदर पाल भाई, तो ये वन ऑफ द मोटिवेशन थे। तो कभी हमने देखे नहीं, कभी हमने बात नहीं की, किसी को जानते नहीं है, लेकिन इन लोगों का सपोर्ट था, इन लोगों के ही मोटिवेशन के वजह से मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर, जो मेन हमारा टॉपिक था ये वीडियो को, इसको ओपन करना है, उधर लाइव को इसके बारे में देखना है, क्या ऐसा वैसा क्या है, इतना लोग इसके पीछे क्यों इतने, एक रिव्यूअर्स ने जिस तरह से पोस्ट की, उसके बाद हर रिव्यूअर्स ने इस चीज के बारे में पोस्ट किए, अपलोड किए। मेरे पास जस्ट आज इसका स्टॉक आया है, इसमें उधर लाइल है, फिर ये लमसात हरी, इसको भी चेक करेंगे। ये लमसात हरी देखने से तो लेडीज परफ्यूम लगता है, इसको ओपन करके देखते हैं क्या है। और ये दो परफ्यूम है, खशब अल उद अबियद और खशब अल उद गोल्ड एडिशन। ये दो अरबी में लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आप देखते हो ना, इसके यहाँ पे खशब एंड उद लिखा हुआ, साइड में इसके अंदर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, खशब एंड उद लिखा, अबियद यानी व्हाइट को अबियद बोलते हैं, और ये गोल्ड एडिशन, खशब एंड उद गोल्ड एडिशन, इसको भी ओपन करेंगे। इससे पहले ओपन करने से पहले हम सबसे पहले इस चीज को ओपन करते हैं, लमसात अल हरीर, उसके बाद हम करेंगे ओपन। मैं आपके चैट पढ़ रहा हूँ, इलियास भाई वालेकुम सलाम, प्रथम भाई का मैसेज है, विच इज द बेस्ट परफ्यूम इन विंटर टू क्रिएट सिलेज आउटडोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको किस टाइप की परफ्यूम की खुशबू पसंद है? मेरा सजेशन है, अगर आप परफ्यूम्स यूज करना चाहते हो ना, तो आप यूज कीजिए कुछ टॉबेको, वुडी, समर में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस को अगर आप यूज करते हो विंटर में तो अच्छा रहता। तो ये था इसका कुछ बॉटल की डिजाइन, कैप प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग किया हुआ है पिंक कलर का, ये आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये कुछ इसका, ये रिफिलेबल बॉटल, अगर किसी को डिकैन भी करना है, तो ये मैंने ओपन इसलिए किया हूं ताकि यहां से आपको बता सको कि अगर आप अपना एटमाइजर बनाना चाहते हो, एटमाइजर 10 ml के, तो वो भी बना सकते हो। इसके अंदर किस तरह से करना है अटैचमेंट, वो मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये नोजल को ओपन किया था। तो चलिए इसका सबसे पहले तो स्प्रे देखते हैं किस तरह से इसका एटमाइजर है। बॉटल क्लासिक है, पॉलिश्ड बॉटल है, अच्छी खूबसूरत सी।
इसको ओपन करके देखते हैं इसका कस्टमाइजर। ये कैसा लग रहा है कि फूलों के साथ थोड़ा सा वेनिला, तो ये थोड़ा सा फ्लोरल फ्रूटी और हल्का सा वेनिला टाइप का टेस्ट आ रहा है। इसको मैं अप्लाई करके देख लेता हूं कि कितने देर मेरे बॉडी पे अप्लाई करता है। तो ये हम एक दो तीन स्प्रे मैंने राइट लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किए हैं। इसको 2 घंटे बाद चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी फेमिनाइन फ्रेग्रेंस लग रही है मुझे, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि फेमिनाइन फ्रेग्रेंस है तो जेंट्स यूज कर सकते हैं, नहीं है। अब किसी को गुलाब की खुशबू पसंद है तो सीधी सी बात है कि उसको लेडीज परफ्यूम में ही मिलने वाली है, जेंट्स परफ्यूम में गुलाब नहीं मिलेगा। तो जब आप किसी परफ्यूम्स को देखते हो कि फेमिनाइन लिखा हुआ, मेल लिखा हुआ, फीमेल लिखा हुआ, तो परफ्यूम की इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि कभी कोई चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लेडीज के लिए ही है या फिर सिर्फ जेंट्स के लिए है। अगर आपको गुलाब की खुशबू पसंद है तो सीधा आप ईयर, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, ये गुलाब नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लेडीज परफ्यूम में ही मिलेगी और आप उसको लेकर अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और इस चीज में ऐसा नहीं होता है कि जेंट्स के लिए ही, वो चीज होती है महंगे परफ्यूम्स में जिसमें फेरोमोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फेरोमोन क्या है, क्या होता है, वो आप गूगल पे चेक करके देख सकते हो। फेरोमोन्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ये महंगे परफ्यूम्स इतने महंगे होते हैं, जो फीमेल को मेल्स में अलग अलग डिफर करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो महंगे परफ्यूम में यूज किया जाता है फेरोमोन्स। तो ये थी इसकी बॉटल, लिम्रा अत्तर एंड परफ्यूम्स, वालेकुम अस्सलाम। तो ये थी इसकी बॉटल। इसके बाद ओपन करते हैं हम, पहले ये दो बॉटल को ओपन कर लेते हैं, खशब ऊद को, गोल्ड एडिशन एंड वाइट एडिशन। उसके बाद हम ओपन करेंगे ऊद अल्लाई को। प्लास्टिक रैपिंग अच्छी की हुई है। वैसे अगर आपको कुछ ओरिजिनलिटी ऑफ परफ्यूम्स को कभी चेक करना है ना, तो ये प्लास्टिक से भी आप पकड़ सकते हो। बहुत से महंगे परफ्यूम की जब प्लास्टिक रैपिंग किया होता है, इसको सेलोफेन किया कहा जाता है, इससे भी पकड़ लेते हैं लोग ओरिजिनल कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो ये दो परफ्यूम के बॉक्स को ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है, कैसे बॉटल्स है। तब तक के लिए इसको साइड में यहाँ पर रख देते हैं। तो ये बॉटल जो लुक वाइज है एक टाइप की, दोनों को साथ साथ ओपन करके कंपैरिजन करते हैं। तो ये दो बॉटल्स हैं आपके सामने। बॉटल खशब एंड ऊद बाय अरेबियात परफ्यूम्स, इसकी बॉटल कुछ इस टाइप से दिखती है। इसका जो कैप है वो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे पर्सनली, थोड़ा सा वुडन कैप है। वुडन कैप वैसे थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं। मैं साथ साथ मैसेज भी पढ़ लेता हूँ। जतिंदर भाई का मैसेज है, वाह पाजी ऐसे ही परफ्यूम रिव्यू चाहिए था हमें। भाई वैसा मैं रिव्यूअर्स नहीं हूँ, मैं एक बार फिर बता दूँ, मैं रिव्यूअर्स नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छे एक्सपीरियंस लोग रिव्यूज देते हैं। आप उनके रिव्यूज को अच्छा समझना, क्योंकि मैं रिव्यूअर्स नहीं हूँ, मैं अभी तक एज अ लर्नर हूँ, मैं बोलूँगा। तो ये था खशब एंड ऊद, इसको भी ओपन करते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर स्प्रे कर देते हैं। इसका एटमाइजर बेस्ट है, अच्छा लगा। ये ऐसा फील आ रहा है ना, जिसे जिसको पान मसाला पसंद है, जिसको कोई मतलब ऐसा बोलते ना शौक रखता है, जिसको पान मसाले की खुशबू पसंद है, तो ये कुछ उस तरीके से खुशबू आ रही, जैसे मीठे पान की खुशबू, एक मीठे पान में जो होता है साथ में थोड़ा सा जाफरान, थोड़ा सा सिंथेटिक जो वो क्रीम रिम्स डालते हैं पान के अंदर, और उसके बाद जो टेस्ट आता ना सेम वैसा है, थोड़ा सा ऊद के साथ रोज आ रहे है, फील हो रहा है कि रोज का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा सुपारी वाला टेस्ट आ रहा है। तो ये लेडीज जेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे कि यार लेडीज क्यों अप्लाई करेगी, तो आप एक बार इसको ऐसी खुशबू को जो मुखल्लत अतर में जो मिलती है आपको, ये खशब एंड ऊद लिखा हुआ है लेकिन ये ऊद वाला एसेंस नहीं है। बहुत से लोग किलर ऊद को भी ये देखकर बोलते हैं कि भाई किलर ऊद में ऊद वाली खुशबू होगी, तो वैसा नहीं होता। ये खशब एंड ऊद में ऊद वाली खुशबू नहीं है,
तो अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड पे और देखते हैं इसके बाद ड्राई डाउन में क्या होता है। मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज में अपलोड कर दूंगा कि क्या रिजल्ट था। ये फर्स्ट टाइम इसको मैंने यूज कर चुका हूँ, ये दोनों परफ्यूम को भी, खाली ये उद लाइन मेरे लिए नया था, लेकिन फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरीज को कि कितना लास्ट करता है, कैसा है दोनों का फ्रेग्रेंस। तो इसका जो फ्रेग्रेंस है कैसा आ रहा है, सुपारी पान मसाला वाला टेस्ट आ रहा है इसमें। ऊद का टेस्ट नहीं है वैसे, मुखलत के जो बेज अत्तर आते हैं ये उस टाइप का ये परफ्यूम है। फानी दुनिया भाई हम रिव्यूअर नहीं है, नहीं नहीं जतिंदर भाई मैं नहीं हूँ रिव्यूअर। तो अब बात करेंगे हम ये खशब एंड ऊद गोल्ड एडिशन की। गोल्ड एडिशन में क्या अलग है इसके कंपैरिजन में, यानी खशब एंड ऊद जो आपने देखे वाइट में और गोल्ड में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। इसका जो कैप है ये मेटालिक कैप नहीं है, ये प्लास्टिक का ही कैप है जिसको क्रोम प्लेटिंग किया हुआ है। तो ये बॉटल्स है कुछ, तो इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इधर अप्लाई ये थोड़ी सी स्पाइसी टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सा ये फेमिनाइन फ्रेग्रेंस है मुझे लग रही है। बहुत से लोगों को मैंने देखा हूं जब मेरे पास आते हैं तो बोलते कार फ्रेशनर, तो कार फ्रेशनर में वो लोग ऐसी चीजें ऐसे परफ्यूम्स मांगते हैं कि भाई मुझे परफ्यूम दो। तो मेरा सजेशन है अगर आप 250 रुपए का कुछ आप एयर फ्रेशनर लेते हो या कार जेल लेते हो, लेकिन वो उतना मजा नहीं आता। मेरा सजेशन आप इस तरह से कोई परफ्यूम्स की बॉटल भी ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी फ्रेग्रेंस है लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर लास्टिंग नहीं होगी इसके, तो इसलिए मैंने कार में भी आप यूज कर सकते हो, ये मेरा थॉट है। अब आप ये मत बोलना भाई, और अगर हाँ कुछ गलती लगे मुझे तो बताया करो जहां पे भी, क्योंकि मैंने अभी भी बोला मैं रिव्यूअर्स होकर नहीं ये वीडियो बनाता हूँ, मेरे से अच्छे एक्सपीरियंस लोग रिव्यूअर्स है, उनके अच्छे थॉट्स है, उन्होंने अच्छे परफ्यूम्स ज्यादा परफ्यूम्स को ट्राई किए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि अपने प्रोडक्ट को अपनी शॉप को एक्सप्लोर कर सकूँ, आप लोगों तक ज्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है सोशल मीडिया जहाँ से हम इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुँच सकते हैं अगर हमारे करना चाहे तो। जो लोग जुड़े हुए कुछ परफ्यूमर्स जिस तरह से अभी देख रहे थे, मैं सबको बोलूंगा भाई डरो मत, जो होता है अपने को कुछ किसी से कुछ नहीं है, अपने को अपना काम करना है बस, ये चीज सोचकर आप लोग भी स्टार्ट करो, ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये थोड़ी सी स्पाइसी खुशबू है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर मुझसे कोई पूछेगा आप दोनों में से कौन से लेना चाहोगे तो मैं जाऊंगा इस पे खशब एंड उद वाइट वाला। इसके अंदर थोड़ा सा एक हास मुझे लग रहा है, थोड़ा सा उतना मजा नहीं आ रहा है मुझे फ्रेग्रेंस को स्मेल करने में, थोड़ी सी कड़क लग रही है, लेकिन एक बोलते ना एक रॉयल फीलिंग नहीं आ रही है परफ्यूम में, जबकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे और काफी अच्छा लगा खशब एंड उद वाइट एडिशन। अब ओपन करते हैं जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, और यानी ये तीन परफ्यूम हो गए अप्लाई कर दिया मैंने। राइट साइड पे मैंने अप्लाई किया हूँ पिंक वाला लमसात हरीर करके है ये परफ्यूम। सेकंड परफ्यूम मैंने अप्लाई किया हूँ ये खशब एंड उद वाइट वाला परफ्यूम जिसको बॉक्स देख सकते हो आप, ये बॉक्स है खशब एंड उद। खशब एंड उद गोल्ड एडिशन मैंने अप्लाई किया वाइट साइड पे, इसको चेक करेंगे हम। अब आ गई है बात इस चीज की। अब इस बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कौन कौन है इस लाइव सेशन में जुड़ा हुआ है जिसने इस परफ्यूम को पहले ही यूज किया है, उसके बाद मैं ये बॉक्स को ओपन करूंगा और आप देखते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे लाइव सेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं इसमें से कौन ऐसा है जिसने ये परफ्यूम्स को यूज किया हुआ है पहले ही। दिलजोत भाई भी है लाइव में, फानी दुनिया बोले सर अगर आप लाइव वीडियो में जुड़े हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, क्योंकि आपका एक यूट्यूब का चैनल है इंटेलेक्चुअल सेंट करके, ये काफी अच्छे रिव्यूज देते हैं एकदम क्लियर कट। तो इस चीज को अगर किसी ने यूज किया है इससे पहले उद लाइव को, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा अगर किसी ने यूज किया है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो चलिए इस चीज को शायद किसी ने ये परफ्यूम
जो अभी लाइव वीडियो में जुड़े हैं उनमें से किसी ने यूज नहीं किया है लगता मुझे, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसका कुछ प्रेजेंटेशन, तो जो बॉक्स का लुक है काफी अच्छा है, जो ये नाम उद लैल का जो प्रिंटिंग है थोड़ा सा एम्बोजिंग किया हुआ काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर की साइड लेफ्ट साइड में एक होलोग्राम दिया हुआ है, चलिए इसको ओपन करते हैं। अगर कोई लाइव वीडियो में आकर जुड़ना चाहता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कुछ अच्छे परफ्यूम्स के बारे में बता सकता है, तो वो लाइव वीडियो में आकर जुड़कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जुड़ते ही इसीलिए ताकि हम कुछ नया परचेज करें, तो उस चीज़ को जान लें कैसा परफ्यूम है, अगर किसी की हेल्प हो जाएगी। अगर नहीं अच्छा परफ्यूम है तो आप लोग बोल सकते हो। तो लेफ्ट साइड में जब पीछे के बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अल्कोहल डीनेट के बारे में मैं बता दूं, बहुत से लोगों का ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल डीनेट सोचकर मुस्लिम्स अप्लाई नहीं करते, बोलते यार इसमें अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल डीनेट का मतलब ही होता है, ये डीनेचर्ड परफ्यूम है, इसमें जो अल्कोहल यूज हुआ है ये नशे वाला अल्कोहल नहीं होता है। ये परफ्यूम से आपकी नमाज हो जाएगी, ये आप रिलीजियस पर्पस के लिए अगर आप प्रेयर करने जाते हो तब भी ये अप्लाई कर सकते हो, जिस परफ्यूम में अल्कोहल डी नेचर लिखा हुआ रहता है, जिसमें अल्कोहल डी नेट लिखा हुआ रहता है। उसके बाद उसमें कुछ परफ्यूम है ब्यूटारेट, ये कुछ केमिकल नेम है आप देख सकते हो, बेंजाल अल्कोहल, बेंजाल बेंजोनेट, और बाद में कुछ लिखा हुआ स्टोरेज कीपिंग कूल एंड ड्राई प्लेस। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसकी बॉटल का जो कैप है फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो वुडन का कैप है, कुछ बॉटल इस टाइप से दिखती है। ये 100 ml की कैपेसिटी में ये परफ्यूम है। अब ये परफ्यूम जितना लोगों में हाइप है उस तरह का ये वर्थ है कि नहीं, उस चीज को देखना है हमें। सबसे पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ हेयर में थोड़ा सा, ये खुशबू मुझे लगता है मैंने कहीं फ्रेग्रेंस को चेक की है, ट्राई की है। क्या आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने लताफा का लैल मलिकी और उरुकलूद मैं बताता हूँ अभी, थोड़ा सा मुझे हेल्प लगी कि मेरे जो साथ में स्टाफ है। ये है लैल मलिकी का एग्जैक्ट, उरुकलूद नहीं, उरुकलूद डिफरेंट है, लैल मलिकी बाय लताफा एक परफ्यूम आता है लैल मलिकी। मुझे नहीं पता, मैंने रिव्यूअर्स के ज्यादा रिव्यूज नहीं देखा इस चीज के बारे में, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा ये 95% मैं बोलूंगा करेक्ट रहेगा। ये अगर किसी ने लताफा का एक परफ्यूम आता है लैल मलिकी LAYL, तो उसकी भी मैं आपको फोटोज बता सकता था, लेकिन शायद मेरे पास स्टॉक में नहीं है। जिसमें अगर आप देखना चाहो तो लताफा लैल मलिकी खूबसूरत सी बॉटल आती है जिसमें घोड़ा प्रिंटेड होता है, रेक्टेंगुलर बॉटल है, लंबी सी, 100 ml की कैपेसिटी में आती है वो परफ्यूम। ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी मुझे इसमें ऊद वाला कोई टेस्ट नहीं है, ऊद लैल लोग बोल रहे हैं कि ऊद लैल करके है, ये इसमें ऊद है, सबसे पहले इसमें ऊद नहीं है। तो एक मैसेजेस आया है कि अ गुड परफ्यूम कश्मीर बाय अरेबियन ऊद इज मस्ट टू ट्राई बट इट्स कॉस्टली। यस, अरेबियन ऊद के जो परफ्यूम आते हैं काफी अच्छे महंगे परफ्यूम आते हैं, और जो दुबई सऊदी बेस्ड कंपनी है अरेबियन ऊद, वहाँ के राजा की कोई फैमिली में से बिलोंग करते हैं वो परफ्यूम्स की कंपनी वाले, तो रॉयल फैमिली में से वो परफ्यूम्स की कंपनी है। तो ये जो फ्रेग्रेंस अब मुझे फील हो रहा ना, थोड़ा सा मैंने बात को इसलिए मैंने ये दूसरी बात किया, मैं यहाँ पे जब मुझे ऐसा फील हो रहा है ये एग्जैक्टली 95% लैल मलिकी से मिलता जुलता ही है, सेम एग्जैक्टली लैल मलिकी। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो वो ये परफ्यूम ले सकता है, अगर लैल मलिकी ट्राई कर चुका है तो ये परफ्यूम लेकर डबल हो जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो सकते, बोलोगे कि यार सेम परफ्यूम दो बार आ गया। तो अगर जिसने लैल मलिकी परफ्यूम यूज किया है वो ये परफ्यूम को मत लो क्योंकि डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं ये परफ्यूम लेने जैसा है, 1100 रुपए का ये परफ्यूम हमने इसकी प्राइसिंग रखे है, 1100 रुपए में ये परफ्यूम, यानी ये जो चार परफ्यूम मैंने आपको आज बताए लाइव वीडियो में, गोल्ड एडिशन, ऊद लैल खशब एंड ऊद वाइट, और एक है लमसात हरीर, ये प्योरली मुझे लगा थोड़ा सा लेडीज
फ्रेग्रेंस है। जब ड्राई डाउन हो गया ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, अब मैं फ्रेग्रेंस को ट्राई कर रहा हूँ, स्निफ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो खुशबू आ रही है ना, ये थोड़ा सा टेलकम टाइप की फ्रेग्रेंस हो रही है, थोड़ा सा टेलकम, थोड़ा सा फ्रूटी, हल्का सा टेस्ट आ रहा है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे इंग्रेडिएंट पूछो वो क्या है, कौन से वो गवर्नमेंट ये, मैं भाई इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, और बहुत से लोग, मेरा तो व्यू ये है कि भाई मुझे जो फील हो रहा है मैं वो बता रहा, उसके इंग्रेडिएंट अंदर क्या क्या है मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, जो बहुत से लोग बताते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो ये कुछ फ्रूटी टाइप की, साथ में थोड़ा सा टेलकम टाइप का टेस्ट आ रहा है। सेकंड हमने अप्लाई किए थे ये मेरे टाइप का टेस्ट है, ये मुझे इस टाइप की फ्रेग्रेंस ज्यादा पसंद आती है, जिसमें थोड़ा सा सुपारी का टेस्ट हो, ऊद वाला, रोज वाला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो, हल्का सा वुडी हो, तो ये खशब एंड ऊद है, ये टाइप की थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है। ये लास्ट 4 से 5 घंटा ही करेगा, उससे ज्यादा मुझे लगता है नहीं करेगा। जो फर्स्ट परफ्यूम है देखते कितना लास्ट करता है, जो उसके बाद बात करेंगे खशब एंड ऊद गोल्ड एडिशन। इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आ रहा, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेशनेस भी मुझे फील हो रहा है, देखते हैं। अब बात करेंगे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसके लास्टिंग को चेक करेंगे। बहुत से लोग गो को परफ्यूम लगाने का, अतर लगाने का मैंने देखा और नहीं पता है, बहुत से लोगों को लगाने का तरीका नहीं पता, बहुत से लोग फैन के नीचे होके खड़े हो जाते और अप्लाई करते हैं, जो फैन की वजह से ये एकदम मिस्ट स्प्रे होता है, तो अगर आप फैन के नीचे अप्लाई करोगे तो वो उड़ जाएगा, आपका प्रॉपरली अप्लाई ही नहीं होगा। तो जल्दी से, मेरा तो सजेशन है 45 डिग्री के एंगल पे अपने शोल्डर से लगाओ, पूरे जो पार्टिकल्स है मिस्ट के वो आपके कपड़ों पे आ जाएगा। इसको देखते, मैंने ज़्यादा अप्लाई किया लेकिन यहाँ पे मुझे चेक करना है राइट हैंड आर्म पे, ये थोड़ा सा फ्रूटी वाला टेस्ट हो रहा है, थोड़ा सा एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस लग रही है। यंगस्टर के लिए काफी अच्छा परफ्यूम मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई मैच्योर परफ्यूम यूज करता है उसके लिए ये उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ये यंगस्टर के लिए अच्छी खुशबू है। लेडीज के लिए मेरा सजेशन रहेगा ये ट्राई करो, अच्छा फ्रेग्रेंस है, आपको जरूर पसंद आएगा ये लेडीज को। तो लाल मलिक, तो ये थी कुछ चीजें, ऊद अल लैल जो लताफा में लाल मलिकी के नाम से भी है। इसके कुछ बखूर्स को ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ अंदर कैसा है। बखूर के ऊपर टॉप में एक रिबन लगी हुई है, इसको मैंने खोल दिया हूँ। एक बॉटल है, कुछ प्लास्टिक की बॉटल है, ये माय परफ्यूम्स का बखूर है, बखूर का मुझे पूछा बताना था कि किस तरीके से इसके बखूर्स आते, तो एक दो ओपन करके देखते हैं। कुछ अलग बॉक्सेस में, एक ये अलग लग रहा है, और ये जो मैंने अभी अप्लाई किया है इसकी लास्टिंग जो रहती है मैं आपको जरूर बताऊंगा उसको कंपेयर। प्लास्टिक के बॉक्स में कुछ बखूर आए हैं, इसका जो बखूर है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस टाइप के बखूर है। अरेबिया परफ्यूम के हैं ये, कुछ इस टाइप के हैं अंदर, चलिए इसको ओपन करते हैं। ये कुछ इस तरह से, एक जब मैंने अंदर से ओपन किया ना तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 आपको शायद दिखने आएगी या नहीं, यानी ये ऊद बखूर की इस तरह से टिक्की बोल सकते हो इसको, गोल टिक्की इसके अंदर है। एक और ओपन करके देख लेते हैं कैसा है क्या है इसके अंदर, इसकी फ्रेग्रेंस को देखते हैं। वैसे बखूर में होता क्या है, जब हम इसको फ्रेग्रेंस को ऐसे टेस्ट करते हैं ना तो उतना फ्रेग्रेंस के बारे में नहीं समझ पाते, जब हम जलाते हैं तो इसका एग्जैक्ट कैसी चीज़ है, क्या फ्रेग्रेंस है वो समझ में आता है। दूसरा जो था बखूर वो था बखूर अल अरेबिया, जो ब्लैक कलर के बॉक्स में है, बखूर अल अरेबिया। इसके अंदर भी सेम फॉइल पेपर में कुछ इस तरह की, इसमें है 7 + 3 = 10, इसमें 10 इस तरह की बखूर की टिक्की है जो आपको दिख रही होगी, कुछ इस टाइप की टिक्की है।
तो ये समझ में आ गया कि इसमें सब में कुछ इस टाइप की टिक्की होगी। ये थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग है, मस्त है, अच्छा लग रहा है। तो खुद इसको भी ट्राई करेंगे। तो ये थी आज की कुछ नए कलेक्शन के बारे में, कुछ नए परफ्यूम्स आए हैं और बखूर्स आए हैं। तो ये था कुछ आज का कलेक्शन। अब मैं आता हूँ आप लोगों के चैट बॉक्स को पढ़ते हैं और आप लोगों से बात करते हैं और ऑफर्स के बारे में बात करते हैं। ऑफर्स में जो ये स्टैंड है इसको हटा देते हैं और कैमरे को हाथ में पकड़ लेते हैं और अब करेंगे आप लोगों से ऑफर्स के बारे में बात। तो ऑफर्स में आपके सामने ये चीज़ें हैं, ये तीन परफ्यूम्स हैं। तो आपका क्या है, कौन सा परफ्यूम आप लेना चाहोगे ऑफर्स में? ऑफर यह रहेगा अगर आप ये चारों परफ्यूम्स लेते हो एक साथ तो ये आपको मिलते हैं 4,000 रुपीज़ में विद शिपिंग। अगर एक परफ्यूम अभी लाइव वीडियो में बुक करते हो तो ये आपको मिलता है 1,100 रुपीज़ विद फ्री शिपिंग। तो ये अगर चारों परफ्यूम में से अगर कोई लेना चाहते हो तो आप लोग बुक कर सकते हो। साथ ही में आपको कुछ मिलेगा, कुछ यूनिक चीज़, वो है सिर्फ लाइव वीडियो में जुड़े हुए लोगों के लिए। आप लोग पूछ रहे थे ना आपकी जो गिव अवे है जो सिर्फ वापी दमन एंड सिलवासा के लिए क्यों रखे हो, तो इशू ये था कि शिपिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं हर जगह और हमारे सिर्फ यहीं के लोकल को देना था, तो उसी लिए। तो ये एक किट है, इसके अंदर है 5 सैंपल। तो लाइव वीडियो में अगर कोई बुक करता है कुछ ऑर्डर्स तो उसको ये फ्रेग्रेंस गिव अवे वाली जो किट है ये भी उसको मिल जाएगी फ्री में। तो एक अच्छा मौका है अपनी सैंपल किट को बुक करने का भी। ये एक सैंपल किट जिसमें 5 अतर रहेंगे, 5 अतर 5 फ्रेग्रेंस आप बुक कर सकते हो और एक अच्छा मौका है, अच्छी किट भी मिल जाएगी आपको। और ये डील है 1,100 रुपीज विद फ्री शिपिंग, 1,100 रुपये में ये शिपिंग के साथ आपको मिल जाएगा। जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आई यूट्यूब पे जो चल रही है इस चीज़ की, ऊद लैल की, तो अगर आपने ये परफ्यूम ट्राई नहीं किया है लैल मलिक की लताफा का तो आप ये परफ्यूम को ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो ये परफ्यूम्स भी। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये परफ्यूम को ट्राई कर लो। और अगर आपका कोई सजेशन है, ये सब बखूर्स आए हैं, यहाँ पे भी कुछ बखूर्स रखे हुए हैं, ये सब बखूर्स हैं जो एक एक मैंने ओपन किया नहीं हो। ये ऊद लैल का बखूर है। तो ये था कुछ आज का टॉपिक, कुछ आज की बातें। अगर आपके कुछ सजेशन है, कुछ बात आप शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो ये मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूँ, अत्तर मैसी वाओ अत्तर क्यों नहीं। ओके, एक और चीज़ मुझे बतानी थी आपको एक डिस्कवरी किट के बारे में। हमने एक डिस्कवरी किट इसमें इस टाइप की बनाया है जिसमें 21 फ्रेग्रेंस रहेगा आपको 21 अतर एक एक एमएल की बॉटल में, जो आपने शायद देख चुके हो 21 फ्रेग्रेंस, ईच फ्रेग्रेंस मतलब एक एक एमएल की बॉटल रहेगी। आप अगर वो सैंपल किट बुक करना चाहते हो तो वो बुक कर सकते हो, सिर्फ 1,400 रुपये में एक सैंपल किट आप बुक कर सकते हो। अब उसका जो अपीयरेंस रहेगा कुछ इस टाइप के, 4 बॉक्स रहेंगे, 4 बॉक्स आपको मिलते हैं, उसमें एक एक बॉटल, एक मतलब टोटली 21 बॉटल रहेगी, हर बॉटल में एक एक एमएल परफ्यूम ऑयल फील किया हुआ रहेगा और वो सारे के सारे अतर दुबई के हैं और दुबई के परफ्यूम्स हमारे इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से थोड़े से ज़्यादा लास्ट करते हैं कंपैरिजन टू फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के जो परफ्यूम्स होते हैं वो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बने हुए रहते हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा सा कोल्ड वेदर है फ्रांस के हिसाब से बने हुए। तो अगर कोई लेता है 4,000 का परफ्यूम और 5,000 का परफ्यूम और वो बोलता है कि भाई लास्ट नहीं कर रहा है वो परफ्यूम, वो लास्ट नहीं करेगा क्योंकि वो वहीं के क्लाइमेट के हिसाब से बना हुआ है। अगर आपको परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो आप मिडल ईस्टर्न परफ्यूम को आप ट्राई कीजिए, जो थोड़े से सस्ते भी मिल जाते हैं, थोड़े से नहीं कंपैरिजन टू फ्रांस काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और उनकी जो लास्टिंग है ज़्यादा लास्ट करते हैं। तो ये जो किट है जिसमें 21 डिफरेंट फ्रेग्रेंस
ईच 1 ml रहेगा, उसकी जो लास्टिंग रहेगी हर ऑयल की मिनिमम 6 घंटे से ज़्यादा लास्ट करेगी वो परफ्यूम्स ऑयल, और आपको मिलते हैं सिर्फ 1400 रुपये में 21 ml की किट। अगर कोई बुक करना चाहते हो तो आप जल्दी से बुक कर सकते हो। आपके लिए लाइव वीडियो में एक ऑफर थी, ऑफर में ये है, अगर ये परफ्यूम आप बुक करते हो 4 बॉटल तो वो आपको मिलती है 4000 रुपये में 4 बॉटल, अगर आप एक बुक करते हो तो वो आपको मिलती है 1100 रुपीज़ में एक बॉटल, साथ में ये डिस्कवरी किट जो 5 बॉटल की है ये आपको मिलेगी फ्री। तो अगर कोई किट भी साथ में आज मिल जाएगी अगर कोई बुक करता है तो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और फिर बाद में वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो आज की जो वीडियो में जो मेन था मुझे बताना, ये परफ्यूम्स को बताना था कि ये वैसे इतना हाइप क्यों बना हुआ है। तो आज मैंने चेक किया, जब इसको मंगवाया तो मैंने चेक किया तो ये एक लायल मलिकी की एक लताफा बाय लायल मलिकी एक परफ्यूम आता है, लताफा परफ्यूम्स का लायल मलिकी एक परफ्यूम आता है, सेम वही वाली फ्रेगरेंस है। थोड़ा सा जैसे जैसे ड्राई डाउन होना ना तो थोड़ा सा फ्रूटी ज़्यादा होता रहा थोड़ा, ये परफ्यूम अच्छा परफ्यूम है। लास्टिंग देखते हैं कितना है, 4 परफ्यूम मैंने अप्लाई किया हो, देखते हैं इसमें से लास्टिंग किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे लम्सा तलहरीर जो थोड़ा सा टेलकम में कन्वर्ट हो रहा है मेरे फील के हिसाब से, थोड़ा सा पाउडरी फ्रूटी, ये खशब एंड दूध जो सुपारी वाला टेस्ट है। ये था गोल्ड एडिशन खशब एंड दूध, और यहाँ पे हमने अप्लाई किए थे उदल लाइल। तो ये थी कुछ आज की परफ्यूम्स के बारे में बातें। अगर आपका कुछ सजेशन है या कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, अगर आपने लास्ट कल वाली यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में आज आपने मैंने देखे ये चीज़ों के बारे में। अगर आपका कुछ सजेशन है, कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद वीडियो को करते हैं ख़त्म। यस फॉक्सी सरदार यू आर रॉकिंग मैन, यस उनके रिव्यूज काफ़ी क्लियर कट और अच्छे हैं। तो ऐसे परफ्यूम्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वैसे अच्छे खासे रिव्यूअर्स हैं, और मैं रिव्यूअर्स नहीं हूँ एक बार फिर बता दूँ। मैं अपने सिर्फ प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी लर्नर हूँ, लोगों से एक्सपीरियंस होता है जब सीखते हैं हम एक दूसरे चीज़ों के अलग अलग फ्रेगरेंस को ट्राई करते हैं, और सिर्फ एक कंपैरिजन बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपके पास कुछ डबल परफ्यूम ना हो, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो बॉटल का लुक होता है, किस तरह की बॉटल है, किस तरह से फ्रेगरेंस आ रही है, उसकी फ्रेगरेंस की लास्टिंग क्या है, जो मुझे फील होता है ना वो मैं बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं रिव्यूअर्स होकर बताता हूँ, मैं अपनी चीज़ों के बारे में मेरा जो थॉट्स है वो मैं बताता हूँ। अब जो आपका थॉट्स रहेगा वो आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, और अगर कहीं पे मैं गलत लगूँ आपको तो आप लोग खुल के मुझे बोल सकते हो, कहीं पे मेरी अगर गलती रहती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे आप पॉइंट पे गलत हो, ताकि मैं अगर मुझे लगेगा सही है गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो को खत्म करना चाहिए। अगर तो अगर आपका लास्ट पूछ लेता हूँ फिर 15 मिनट में बंद करते हैं, 10 मिनट में भी नहीं, मुझे जाना है आज थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बंद करना है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद लाइव वीडियो को खत्म करते हैं, और अगर आपको कभी भी कुछ भी चीज पूछना चाहो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो कभी भी, मैं आपको कोशिश करूंगा टाइम पर रिप्लाई कर सकूं उसके बारे में। सही सही जो भी रहेगा मेरा व्यू मैं अपने हिसाब से बता दिया करूंगा आपको। तो चलिए आज की जो लाइफ में जो चीजें थी जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब आपका जो सपोर्ट रहेगा हमेशा और आपका जो सजेशन रहेगा उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगा। तो हमारे हेलो भाई,
जाते जाते जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ भाई। यस सिद्धार्थ भाई, कैसे हो? आप बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया। हमेशा बोलते थे ना मुझे कि भाई सामने आओ, तो यार सामने आ गए। थोड़ा सा दिल अभी ऐसे भाई वो करीब 4-5 बार हो गया कि आप लाइव आके चले गए, उसके बाद में फिर मैंने वीडियो देखा। नहीं यार, 4-5 बार नहीं आया हूँ, लास्ट संडे के दिन मैं आया था, लास्ट हाँ संडे, और उसके बाद दूसरे दिन मैं आया एक, उसके बाद मैं बस अभी लाइव आ रहा हूँ। उससे हाँ पहले लाइव आ जस्ट रहे हो ना। यूट्यूब पे आपको एक दो वीडियो अपलोड किए हैं। आज आपको देखने का मौका भी मिल गया, सौभाग्य मिल गया मुझे। सौभाग्य, मैं ऐसा कोई थोड़ी मॉडल मोस्ट और सिद्धार्थ अवेटेड। भाई क्या बोलते हैं आप, बस भाई सब बढ़िया एकदम। और कैसी तबीयत है तुम्हारी? अभी एकदम बढ़िया है, अभी वापस से गेनिंग चालू कर दिया है जिम में। जिम में भी जा रहा हूँ अभी। हाँ अच्छा अभी वापस, मतलब जितना भी वेट लॉस हुआ था वापस से गेन कर लिया मैंने। बढ़िया है, वो जरूरी भी है भाई। क्या आपकी हाँ फील्ड जितना, में ही? हाँ बहुत। अभी मिस्टर इंडिया की भी कंपटीशन है अप्रैल महीने में। तो बुलाओगे? अरे बिल्कुल भाई, उसने क्या बुलाने का। वैसे मैंने आपको बताया भी था, नागपुर से मेरे काफी, मैंने 4 साल रहा हूँ नागपुर में, तो हाँ आपने बहुत से बताया लोग था आप। बुलाते हैं, और हमेशा तो ऐसा प्लानिंग सोच रहा था अप्रैल में भी। मैं भी सोच रहा था अच्छा अप्रैल या मई में, लेकिन शायद रमजान है तो शायद, पता नहीं, देखते। जब हाँ भी लेकिन आना हुआ तो पक्का मैं आपसे मिलूंगा। आए तो बिल्कुल भाई एकदम 100% बताना मुझे। आप वो प्रशांत भाई, वो हमेशा बोल रहे थे, उस दिन भी बात हो रही थी, तो प्रशांत भाई भी यही हाँ बोले हाँ थे कब आ रहे हो तुम हाँ अकोला। बोला आएंगे नहीं मुझे मिलेंगे ये, तो। मुझे एक्चुअली ये पता ही नहीं था, क्योंकि दो दो या 3 महीने पहले मैं जाके भी आया हूँ अकोला, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि अकोला में हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं ना, ये विदर्भ जो रीजन है पूरा, तो अच्छा ये साइड्स के कॉम्पिटिशन वहां पे भी होते रहते हैं, तो हम लोग वहां पे जाते हैं। मेरे कुछ एक दो रिश्तेदार भी रहते हैं वहां पे। हाँ अच्छा तो लास्ट तीन मेरे, दिन में या लास्ट 3 मंथ में आपकी क्या ऐसी परचेसिंग थी जो आपको अच्छी लगी, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड अगर कुछ हो तो आप शेयर कीजिए। वैसे तो कुछ किया नहीं भाई, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी मेरा तो ऐसा मानना है कि जितना भी आपके पास में है, तो आपने तीन जो अपने सीजन रहते हैं, मतलब विंटर, समर और मॉनसून सीजन, तो ये हिसाब से कुछ ऐसे मतलब स्पेसिफिक लेने चाहिए फ्रेग्रेंसेस, और वही बस यूज करने चाहिए, या फिर उसमें कभी मिक्स मैच करना चाहिए, लेयरिंग जिसको बोलते हैं, तो वो हिसाब से करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। क्योंकि बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेने के बाद में फिर ऐसे पछतावा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, एक तो उसको खा भी नहीं सकते। और बेचने का भाई इधर इतना टाइम किसके पास में रहता है कि डालते रहो स्टेटस पे, डालते रहो फिर वो अपडेट्स करते रहो, और फिर उसके बाद में कैसा है कि एक शौक जो रहती है वो एक मतलब एकदम दीवानेपन के हद तक नहीं जाना चाहिए वो, मतलब थोड़ा सा लिमिट में रहे तो अच्छा है, वो क्योंकि बोलते ना लिमिट में अच्छी है, उसके बाद थोड़ा क्योंकि सा फिर ज्यादा। क्या उसमें क्या होता है भाई, फिर के बहुत ज्यादा पैसा उसमें चला जाता है, और फिर उससे मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, लगा लो फिर एक दो दिन में उड़ भी जाएगा। तो हाँ मैं तो, हाँ ये चीज होती है शौक की, बहुत से लोगों का अलग अलग शौक होता है, तो बहुत अलग अलग लोग शौक नशे होते हैं, बराबर है। करते हैं। मेरा तो सजेशन ये रहेगा भाई, नशे का शौक करने से अच्छा है कुछ ऐसा शौक करो जिसमें आपको अच्छा लगे। नहीं शौक शौक, लेकिन भाई भाई अभी बात क्या है कि शौक शौक में पूरी अलमारी भर गई मेरी, तो फिर घर में भी मम्मी वगैरह गालियां देती है। अच्छा, शौक शौक में अलमारी भर गई है। आपने शौक पूरा कर लिए और उसके बाद बोल रहे हो कि यार शौक अब पूरा मत करो। जो लोग नए ये फील्ड में आ रहे, जिनको शौक चढ़ रहा है, उनको कम से कम आधी अलमारी तो भरने दो, एक खन तो भरने दो। नहीं फिर नहीं बाद में मैं डर मतलब के ऐसा, मारे सोचिए कि अरे यार मैं अभी से 2 बोतल हो गया, 10 बोतल, सोचिए यार मैं, मेरा काम हो गया साल भर का, तीन तीन सीजन में तीन तीन ऑथर को सिलेक्ट करता हूँ, वो लगाता हूँ। तो आपने एक नहीं अलमारी भर ली है दूसरों को भरने। अभी नहीं, वैसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों ने तो लेना ही चाहिए आपसे, या फिर कहीं से भी मेरे लेना से ही नहीं चाहिए, लेकिन भाई, देखो यहाँ यहाँ पे लाइव वीडियो हम जुड़े ना, आपको कुछ चीजें बेचनी नहीं है। मेन चीज ये हाँ है कि लोग मिलते हैं, थोड़ी देर बातें हो जाती है। देखो आपसे ही बात मेरी बहुत टाइम बाद हो रही है आज हाँ बात, बहुत टाइम बाद में। हाँ
आप जब बीमार हुए तो उसके बाद से हमारा लाइव सेशन भी नहीं आ पा रहे थे आप। हाँ माइंड फ्रेश हो जाता है, एक घंटा जुड़ते हैं मिलते हैं तो एक ऐसा हाँ लगता अच्छा है यार लगता है, कभी मैं जाऊंगा वर्धा में तो मेरा कोई पहचानने वाला है, मेरा जानने वाला है, मेन बिल्कुल चीज ये बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तरफ आती तो फ्रीली बोल सकते यार मेरा अपना दोस्त है उधर, धंधा हाँ, सही बात है, धंधा रोजी हर चीज लगी रहने वाली है, लास्ट में फैमिली सही बात है। भी है, लेकिन उसके बाद एक जगह आ जाती है यार काम काम कर करके इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है दिमाग में। तो मैं सोचता यार थोड़ा सा बात करते लोगों से जुड़ते हैं। हाँ लेकिन ऐसे जिस दिन ऐसे भाई दिमाग जिस दिन बहुत खराब होता है उस दिन इत्र बहुत काम में आते हैं, ऐसा मेरा नेचुरल पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऊद या फिर आता है, शवाना, नेचुरल 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 आता है, नेचुरल। सिंथेटिक नहीं काम में आते, ना परफ्यूम काम में आते उस टाइम नहीं पे, नहीं क्योंकि नहीं नेचुरल महंगे ये इसीलिए तो होते हैं कि हाँ वो तो है, लेकिन ये तो कैसे जिसकी जिसकी चॉइस है कि किसी को परफ्यूम ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल राय से तो मुझे तो इतने ही ज्यादा पसंद आते हैं। मैं ज्यादा ये ऐसे परफ्यूम पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मुझे ये खस हो गया, ऊद हो गया, या ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है। और वो कैसा है भाई, वो हर किसी के उस पर भी डिपेंड है कि मतलब एक समझ रहती है, एक मैच्योरिटी रहती है नोज की, उम्र की नहीं लेकिन नोज की एक मैच्योरिटी भी रहती है। अगर किसी को अगर वो पसंद आ गया एक बार का नेचुरल, तो उसको आप 1 लाख का भी लाके दो परफ्यूम, फिर भी वो लगाएगा वो इतना ही अपना। हाँ वो सबसे मेन चीज है और ये जानने वाली चीज है। और जब नए नए क्या होता है, बहुत से लोग जैसे आप नेचुरल की बात की, लाइफ में जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें से जाकर हाँ किसी ने फर्स्ट टाइम ले लिया नेचुरल तो वो सोचेगा कि यार सिद्धार्थ भाई जुनैद भाई क्या बातें कर रहे थे, फंसा दिए। वो पहली हाँ बार ना वो यही बोलेगा यार फंसा दिए मेरे पैसे, मैं इसमें खुश था। लेकिन नेचुरल की चीज जो होती है ना, जो एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप यूज करते रहता है, उसको एक्सपीरियंस होता है सही यार बात ये चीज बहुत अलग चीज है, इसको लगाने का सही मजा बात अलग है, उसको सीखने में जानने में बहुत टाइम लगता है, कंटिन्यूस सही बात है सही बात है, बहुत टाइम तो लगता है। यूज करने के बाद पता चलती है हाँ यार ये बहुत वर्थ है। हाँ वो तो है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया हूं, जैसे जिसको ऊद का नशा चढ़ गया, अब नेचुरल ऊद का चले ना 50% नेचुरल हो, क्योंकि 100% नेचुरल तो हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिफ्टी सही बात है, परसेंट नेचुरल ऊद हो, अगर उसका 1 ML का ऑप्शन वो ले सकता है, यानी 1,000 रुपये में या 1,500 रुपये में उसको 1 ML का अगर कहीं से, यानी समझो 12,000 के ऊपर के जो ऊद है या 14 ऊपर के जो ऊद है, और उसको ये हाँ ऑप्शन मिले 1 ML का, तो वो हाँ नेचुरल ऊपर को यूज कर सकता है, समझ सकता है। तो सही मेरा भी बात प्लानिंग यही है कि मैं नेचुरल की एक सीरीज लेकर आना चाहता हूँ, और उसमें सिर्फ 1 ही ML की बॉटल बनानी है। आपका क्या सजेशन है? मेरे हिसाब से तो एकदम बेस्ट आइडिया है ये, क्योंकि क्या है कि मतलब अभी जैसे फ्रेंच परफ्यूम से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है लोगों को, और एक ऐसे मतलब एक बड़ी तादाद में लोग अभी उसी के तरफ में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो नेचुरल की बात है वो आपको मतलब एकदम एकदम दिल से लग जाती है वो खुशबू, और वो फिर तो उसके बाद में मैंने वो चेंज भी नहीं होती है। तो मेरे राय से तो मेरा भी आपका यही ये आइडिया प्लान एकदम है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया आइडिया है आपका। जिस तरह से मैंने बताया था एक लाइव वीडियो में, लास्ट लाइव वीडियो में, कि बहुत से लोगों का थॉट होता है, एक मोटिवेशनल वीडियो में देखा था कि भाई आप काम वो करो जिसमें लोगों के हेल्प हो, अगर वो चीज ढूंढ लिए ना आपने, या वो दिमाग आगे, जैसे फॉग का ही मैं आपको बता दूं, जो फॉग लेकर आया था ना, फॉग ने एक सोचा था यार मैं सबसे सस्ते से सस्ता डीओ अच्छे रेट में, और वो हर एक एफर्ट कर सके, सबसे मेन थॉट वो था। तो मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, जब लाइव वीडियो में जो लोग जुड़े हैं ना, वो हर एक एक अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, और उसमें परफ्यूम वाले भी जुड़े हैं लाइव वीडियो में, तो ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम लोगों की हेल्प कर सके। हेल्प इन द सेंस फ्री नहीं दे रहे हम, कोई भी नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा दिमाग लेकर आ सके कि हम वही फील्ड में कुछ जिससे लोगों का फायदा हो। तो फॉग ने क्या किया था, मुझे ये चीज किसी और ने बताई है, जो जिस तरह से मोटिवेशनल वाले बंदे रहते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं, तो उस बंदे की कंपनी का कंसल्टेंसी वाला था, उसने मुझे बोला था कि भाई उसने देखो दिमाग ये लिया कि उसने एक ऐसा ऑप्शन दिया आपको कि हर एक एक बंदे के पॉकेट में आ जाए, यंगस्टर उससे बिलोंग ज्यादा करते परफ्यूम को, तो उसने एक अल्कोहल फ्री मतलब विदाउट गैस वाला डीओ लॉन्च किया, जो सब अफोर्ड इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब उसकी क्वालिटी की बात अलग करें, हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम एक
थॉट की बात कर रहे, तो मैंने अच्छा। भी यही सोचा मैं कैसे कर सकूं। तो हर जगह पे ज्यादा करके ऑप्शन जो होता है ना 12 ml, हाफ कूलर 3 ml होता, जो मैं भी यही ऑप्शन देता था आज तक, 3 ml, 6 ml, 12 ml, ज्यादा कर 12 ही देता। तो उसके बाद उस चीज की बात सोचने के बाद मुझे समझ में आया यार एक अलग करते हैं जिसमें 1 ml का ऑप्शन देते हैं और 100% नेचुरल है तो नेचुरल, जिसमें मिक्सचर है तो मिक्सचर क्लियर कट बताना है उसको कि भाई इसमें इतना नेचुरलिटी है, इसमें ये चीज है, ये इतने का इतना, ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब पहुंच सके। और सोच रहा हूँ किट टाइप नहीं रखेंगे हम, किसी को एक ही बॉटल लेनी है तो वो एक बॉटल भी ले सके, ऐसा कुछ चीज है। तो उसमें कुछ चीजें सिलेक्ट भी करके मैंने सोचा हूँ, जैसे सैफरन है, सैंडल है, ऊद में वैरायटीज हो जाती है ऊद की। आप लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, जो लोग भी है उनसे पूछूंगा क्या प्राइस रेंज में होना चाहिए, उसके बाद लॉन्च करेंगे तो जल्दी ही नेचुरल ऑप्शन लेकर आएंगे। खस खस जरूर रखिएगा भाई उसमें। खस भी रखूंगा, जो आप लोग जो भी लाइव वीडियो में जुड़े हो ना, तो वो लोग भी बोलते ना भाई ये रखना ये रखना ये रखना, मैं जरूर लेकर आऊंगा। सैंडल और खस तो बिल्कुल रखना ही रखना उसमें, वो तो ठीक है पक्का रखेंगे, वो तो मतलब बेस है अपने परफ्यूमरी का। वुड सैंडल और वैसे बोला जाता है कि अगर वुड सैंडल और अगर वुड सैंडल और खस अगर आपके पास में होए तो मतलब पूरा आपके पास में परफ्यूमरी आ चुका है, आपके कलेक्शन में बहुत बड़ी मतलब कलेक्शन हो चुका है ऐसा बोला जाता है मतलब। ऊंट की लकड़ी आपने नहीं हाँ बोले, हाँ ऊंट की लकड़ी, ऊंट की लकड़ी। तो लाइव वीडियो को करते खत्म, सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा बाहर जाना था मुझे, तो बात करते हो चुका है। हाँ तो हाँ हम लोग फिर जरूर मिलेंगे आप, थैंक यू। अगर कुछ सजेशन है, थॉट्स रहे आपके कि किस तरह से कर सके, तो आप जरूर शेयर करना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय, चलिए थैंक यू, वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, फिर बाद में मिलते हैं हम। और इस तरह से अगर आपकी कोई सजेशन है, कुछ जानना चाहते हो, या आपका कुछ परफ्यूम से रिलेटेड कुछ थॉट्स हो, कुछ अच्छी चीज है, तो आप जरूर शेयर कर सकते हो। अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, या मैं किस तरह से कुछ ऐसी चीज करूं जिससे लोगों की हेल्प हो सके, अगर आपका कुछ व्यूज है, कुछ सजेशन है, तो जरूर फ्रीली होकर मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अगर आप रिप्लाई करोगे, कुछ भी मैसेज करोगे, तो मेरे लिए थैंकफुल रहेगा अगर आप कुछ अपना अच्छा सजेशन देते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।